नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ चार संदेश इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसकी लेखिका है पुष्पा अशोक कुमार दुबे। इनका जन्म 1 जुलाई 1960 में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ। इनके समसामयिक विषयों एवं विद्यालयीन गतिविधियों में विशेष अभिरुचि रही है। आप राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रधानाध्यापिका हैं। लेखिका ने प्रस्तुत पाठ में संवाद के माध्यम से पत्रों के प्रकार पर प्रकाश डाला है। संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए पत्र बहुत आवश्यक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप पत्र के प्रकार, मैंने इसके पहले वीडियो बना के आपको पत्रों के प्रकार और उसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है। ये है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र तथा शासकीय पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र और पारिवारिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत ही पारिवारिक पत्र आ जाते हैं और मित्रों को पत्र आ जाते हैं। समझ गए बच्चों आप लोग? इसके बाद हम लोग संवाद के बारे में जानेंगे। आज के युग में नए संचार माध्यम के प्रचार प्रसार के पहले पत्रों के माध्यम से ही हम संदेश भेजते थे और प्राप्त करते थे। संदेश अर्थात समाचार, सूचना, हाल खबर, लेना और देना। संवाद की परिभाषा। संवाद किसे कहते हैं बच्चों? बहुत छोटे में इसकी परिभाषा है, बातचीत को संवाद कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली सामान्य बातचीत या किसी विषय पर होने वाले वार्तालाप को संवाद कहते हैं। तो इस संवाद पाठ के माध्यम से ही हम और पत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए आप, आज की स्थिति अवश्य बदल चुकी है। अब तो लोग ईमेल और भ्रमणभास मतलब मोबाइल आदि का उपयोग करके बहुत तेज़ी से एक दूसरे का हाल समाचार, हम संसार में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहे उसका हम हाल समाचार ले लेते हैं, संदेश पहुंचा देते हैं। इन सब के बावजूद पत्रों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखकर यह संवाद तैयार किया गया है। संवाद की विशेषताएं। संवाद की भाषा सरल और सुबोध और विषय अनुकूल होनी चाहिए। संवाद में प्रवाह, तर्क, सम्मत विचार और पात्रानुकूल शिष्टाचार होना चाहिए। संवाद के जो बात हैं बच्चों, टॉपिक होते हैं, आपस में बातचीत जो होती है वो प्रभावपूर्ण होने चाहिए। संवाद सहजता और स्वाभाविकता का विशिष्ट गुण है। संवाद का आरंभ और अंत जो है वो रोचक होना चाहिए। इस प्रकार संवाद के जो लेखन है, जो संवाद होता है, उसकी विशेषताएं यहाँ पर मैंने बताया। अब हम लोग इसके बाद बच्चों पाठ की ओर बढ़ेंगे। पाठ यहाँ पर गुरुजी और विद्यार्थियों के बीच में है। जो विद्यार्थी हैं उनके नाम भी दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग आगे चल के अभी अगला जो स्लाइड है उसमें हम पाठ को पढ़ेंगे। पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर जरा सोचो और चर्चा करो पर ध्यान देंगे। अगर दूरध्वनि एवं भ्रमण ध्वनि न होते तो क्या होता बच्चों? हम चिट्ठी के सहारे ही होते। जैसे आज से अगर हम देखें, कई वर्ष पहले जब मोबाइल या दूरध्वनि अर्थात टेलीफोन नहीं था तो हम पत्र के सहारे एक दूसरे का हाल समाचार लेते थे और अपना हाल समाचार उन तक पहुंचाते थे। इसमें काफ़ी समय जाता था, 20 दिन, 1 महीना, परंतु हाल समाचार खबर जरूर लेते थे। तो पत्र ही हमारा एकमात्र उस समय सहारा था। तो यहाँ पर पत्रों के महत्व को समझाया गया। ये अब हम पाठ पढ़ते हैं। गुरुजी कक्षा में प्रवेश करते ही, नए वर्ष की शुभकामनाएं बच्चों, तुम सबका नया साल सुखमय हो और आनंदमय हो, सभी यशस्वी हो। यहाँ पर देखिए सभी विद्यार्थी फिर उनको क्या करते हैं उत्तर में, धन्यवाद गुरुजी, आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। देखिए बहुत बहुत के बीच में क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया है। बच्चों के बाद देखो ऊपर पहली लाइन में क्या आया है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह आया है। इन सब का जरूर ध्यान दिया करो बच्चों आप लोग। गुरुजी अच्छा यह बताओ कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में तुम्हें किसी का पत्र मिला क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी एक दूसरे का मुँह देखने लगते हैं और खुसुर फुसुर करने लगते हैं। गुरुजी उज्ज्वल कहता है, अब उज्ज्वल एक विद्यार्थी है, कहता है गुरुजी मेरे भाई को नियुक्ति पत्र आया था, उसे रेलवे में नौकरी मिल गई है, बधाई का तो नहीं देखा। अब प्ररव कहता है गुरुजी के बाद देखो बच्चों यहाँ पर अल्पविराम आया है जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं।
मेरे पिताजी को पत्र द्वारा पदोन्नति की सूचना प्राप्त हुई है, उनका प्रमोशन हो गया है। पदोन्नति मतलब प्रमोशन होना, पद में बढ़ोतरी होना, एक अपने पद से ऊंचा पद प्राप्त होना। तो सुव्रता कहती है, अरे वाह, देखिए वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है। उज्ज्वल की तो चांदी हो गई, गुरुजी उसे कहिए कि वह हम सबको, देखिए यहाँ पर बच्चों, पार्टी दे। अब मुक्ता कहती है, गुरुजी मेरी मौसी के लड़के की शादी का निमंत्रण पत्र आया है। मतलब कोई शादी अगर अपने यहाँ पर रखते हैं तो देखिए आप लोग, उनको अपने रिश्तेदारों के यहाँ निमंत्रण पत्र पहुँचाना पड़ता है, जो दूर होते हैं। पास में होते हैं तो वो स्वयं जाकर निमंत्रण पत्र दे देते हैं। निमंत्रण पत्र देना मतलब अपने यहाँ बुलावा देना, एक तरह से आमंत्रित करना। गुरुजी, शाबाश बच्चों, तुम सबने देखा कि प्रणव के घर पर पदोन्नति पत्र, उज्ज्वल के यहाँ नियुक्ति का पत्र और मुक्ता की मौसी के लड़के के यहाँ लड़के की शादी का निमंत्रण पत्र आया है। क्या तुम जानते हो कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे कहते हैं, जी गुरुजी, देखो यहाँ पर दिया है। मुक्ता कहती है, गुरुजी निमंत्रण पत्र, नियुक्ति पत्र और पदोन्नति पत्र। गुरुजी कहते हैं, शाबाश, इन पत्रों के बारे में तो हम अभी अभी चर्चा कर ही रहे थे। देखिए बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हो ना यहाँ पर पाठ को। अब गुरुजी कहते हैं, यहाँ पर देखिए, फिर उज्ज्वल कहता है, गुरुजी वही सुनकर तो यह नकलची फटाफट बता दी। फिर गुरुजी कहते हैं प्रणव को कि बहुत बुरी बात, ऐसा नहीं बोलते, तुम क्यों नहीं बोले, चलो मुक्ता से क्षमा मांगो। उज्ज्वल, सॉरी मुक्ता, मुझे क्षमा कर दो। मुक्ता, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अध्ययन, गुरुजी आप ही बताइए, हमारे ध्यान में तो नहीं आ रहा है। तो गुरुजी कहते हैं, सोचो सोचो। तो गुरुजी फिर कहते हैं, प्रणव तुम्हारे भाई को नियुक्ति पत्र मिला, पत्र मिलने के बाद उसने कुछ तो किया होगा। अध्ययन ने कहा, प्रार्थना पत्र दिया होगा। गुरुजी कहते हैं, शाबाश, तुम्हारी बुद्धि चलने लगी। सभी विद्यार्थी हंस पड़ते हैं। जब पत्र कुछ आता है बच्चे तो उसका जवाब अवश्य देना होता है। अगले पेज पर आते हैं। गुरुजी, रत्ना खड़ी हो जाओ, क्या बात है, क्या सोच रही हो? गुरुजी ने फिर रत्ना कहती है, गुरुजी मैं सोच रही हूँ कि पाँचवीं कक्षा में हम लोगों ने शुभकामना पत्र बनाना सीखा था। मैंने मुक्ता को दीपावली में बधाई पत्र भेजा था, वह भी एक प्रकार का पत्र ही हुआ ना। गुरुजी, बिल्कुल सही रत्ना, शाबाश, तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। स्मरण शक्ति मतलब याददाश्त। शाबाश शाबाश। अब अरुण, गुरुजी मेरी मम्मी बताती हैं कि जब टेलीफोन मोबाइल नहीं था तो उस समय हाल समाचार लेने के लिए चिट्ठी लिखते थे। गुरुजी कहते हैं, हाँ, पहले कुशल क्षेम पूछने के लिए, मतलब एक दूसरे का हाल समाचार पूछने के लिए पत्र व्यवहार ही प्रमुख साधन था। सौम्या कहती है, गुरुजी मेरे भाई ने अपने लिए बहुत सी पुस्तकें बीपी से मंगाई थी, बाय पोस्ट। बीपी मतलब बाय पोस्ट। उसमें एक पुस्तक फटी हुई थी, अब उसे क्या करना चाहिए? गुरुजी ने जवाब दिया, सौम्या अपने भाई से कहो कि वह प्रकाशक को शिकायती पत्र लिखे और पूरी जानकारी दे। प्रणव, गुरुजी इस तरह तो यह व्यवसाय संबंधी काम हो गया। वाह प्रणव, गुरुजी कहते हैं, वाह प्रणव, तुम इस प्रश्न से हमें पत्र के प्रकार के संकलन की तरफ ले आए हो। ऐसे पत्र जिसमें व्यापारिक बातें, वस्तु माल की आपूर्ति, इनसे संबंधित शिकायतें बातें हों, उन्हें व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। अध्ययन कहता है, गुरुजी वे कुशल क्षेम वाले पत्र क्या हैं? गुरुजी कहते हैं, बच्चों ऐसे पत्र जिसमें पारिवारिक बातें, हाल समाचार, शुभकामना संदेश देने आदि की बातें होती हैं, ऐसे पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। जिसमें हम अपने रिश्तेदारों को और मित्रों को पत्र लिखते हैं वो व्यक्तिगत पत्र हो जाते हैं। मुक्ता कहती है, गुरुजी फिर तो निमंत्रण पत्र भी एक प्रकार का हुआ ना। हाँ, जन्मदिन, विवाह, शुभ कार्य आदि के लिए जब हम अपने मित्रों और संबंधियों को पत्र देकर बुलाते हैं तो उन्हें निमंत्रण कहा जाता है। प्रणव, गुरुजी मेरे भाई ने प्रार्थना पत्र भेजा था, उसका अधिकारी, प्रशासक, संस्था प्रधान आदि से जब हम कोई पत्राचार करते हैं तो उसे आवेदन पत्र कहते हैं। सौम्या पूछती है फिर, गुरुजी कोई और शेष है क्या, कोई छूट तो नहीं गया? गुरुजी कहते हैं, हाँ सौम्या,
राज्य शासन केंद्रीय शासन के शासकीय कार्यालयीन पत्रों को सरकारी पत्र कहते हैं। अच्छा अब बताओ हमने कितने प्रकार के पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की, गुरुजी पूछते हैं। सभी बच्चे एक साथ कहते हैं व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र और आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र। गुरुजी कहते हैं शाबाश, लेकिन अब इन पत्रों के नए रूप भी आ गए हैं, इन नए पत्रों के नाम कौन बताएगा? अब नए पत्र क्या क्या आए हैं बच्चों आप लोग को मालूम है? गुरुजी कहते हैं फिर बच्चों को, अरे भाई SMS, ईमेल, फैक्स तो हम अक्सर ही प्रयोग करते हैं। चलो आज सब पत्रों के प्रकार जाने, अब तुम भी पत्रों के प्रारूप और इसके अंग संकलित करो, मतलब इकट्ठा करो, जानकारी प्राप्त करो। अगली बार हम इनकी जानकारी को पढ़ेंगे।